फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये हमारे सामने एक 10 एम्पियर का 12 वोल्ट का चार्जर है जो बैटरी का, और आप देख पा रहे हैं ये एक 80 एम्पियर की बैटरी है। तो हम आज इस चार्जर से इस बैटरी को किस तरीके से चार्ज करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर है जिसका कि मैंने कवर को हटा दिया जिससे कि मैं आपको इसमें कनेक्शन समझा सकूं और आपको सारी बातें बता सकूं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये देखिए यार इधर से जा कर के, और पॉजिटिव को मैं इसमें जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इधर ये चार्जिंग चालू हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये 10 एम्पियर्स का है, पर इसमें जो एमीटर लगा है एम्पियर मीटर वो सिर्फ 6 एम्पियर तक का ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही मैं चार्जिंग लगाता हूँ वैसे ये फुल बताने लगता है, मतलब 6 एम्पियर के एबव जा रहे हैं हमारे एम्पियर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें आप जो है 10 एम्पियर का एम्पियर मीटर लगाइए, और फ्रेंड्स मैं इसमें इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें निगेटिव को निगेटिव से इस तरीके से, पॉजिटिव को पॉजिटिव को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और मैंने इस जो मैंने इन्वर्टर बनाया था इसका मैंने कनेक्शन बैटरी से हटा दिया है। ये देखिए ये टर्मिनल बाहर है और ये टर्मिनल भी पॉजिटिव वाला भी बाहर है, और इसमें जो ये पतला वाला 4 mm का वायर है ये हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर से आया हुआ है जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए सोलर से काम करता है। तो मैंने ये सारी चार्जिंग को हटा दिया है, सारे कनेक्शनों को, सिर्फ इस चार्जर को कनेक्ट किया इस बैटरी से, निगेटिव को निगेटिव एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा एम्पियर मीटर काम कर रहा है चार्जर, इससे हम इसकी एम्पियर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे अभी भी कम इसलिए नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्पियर दे रहा है, 6 ही एम्पियर का है ये, और ये 10 एम्पियर ट्रांसफार्मर है। तो मैं इसमें और भी कम करता हूँ फिर भी ये इतना ही मीटर बता रहा है, मैं बहुत ही कम कर दे रहा हूँ, तब ये देखिए 5.9 एम्पियर शो कर रहा है। तो मैं इसको फुल ही में रखता हूँ जिससे कि बैटरी हमारी जल्दी चार्ज हो। और फ्रेंड्स, आप देखा कि छोटी बैटरी हो तो आप इसमें कम में भी लगा सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा दूं इसके ट्रांसफार्मर में क्या कैसे कनेक्शन क्या हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं इसमें लाइन चालू है, आप लाइन चालू में कभी भी इसको ओपन ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 12012 का 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, और इधर से 230 वोल्ट इसमें इनपुट होता है इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इधर ये इनपुट गया है रोटरी से होकर के, एक न्यूट्रल कॉमन हो गया है स्विच में लगा करके, और इधर से ये जो आउटपुट निकले हुए हैं ये दो वायर्स आप देख पा रहे हैं, ये 12 का है एंड ये 12 का है। दोनों में मैंने 5408 के डायोड को इस तरीके से लगा दिया, आप देख पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप बना पाएँ इस ब्रिज को। तो फ्रेंड, इसको मैंने एम्पियर मीटर में कनेक्ट कर दिया और एम्पियर मीटर से डायरेक्ट निगेटिव को निकाल दिया, और जो पॉजिटिव आया ये देखिए इसको मैंने डायरेक्ट 0 वाली पिन से कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं पीछे स्विच लगी है बैक साइड में, तो इसमें हमारा जो मेन लीड आई हुई है ये वाली, इस तरीके से ये वाली मेन लीड जो आई है ये हमारी इसमें कनेक्ट बैक में हमारी मेन लीड आई हुई है और एक स्विच में गई है, और स्विच से जो ये आप देख पा रहे वायर आकर के रोटरी में गया है, रोटरी से इस ट्रांसफार्मर में गया है, और इसका न्यूट्रल डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से ये काम करता है चार्जर। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये हमारी बैटरी बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज कर रहा है, और ये 80 एम्पियर्स की बैटरी है जो कि एमरॉन कंपनी की है। मैंने इसे सोलर सिस्टम में भी यूज़ किया था, इसका बैकअप बहुत ही अच्छा देती है ये, और ये मैंने इन्वर्टर बनाया है पहले। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जा करके इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें भी ये इन्वर्टर का काम करता है एंड प्लस बैटरी चार्जिंग का भी काम करता है। ये हमारा जो है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही फास्ट चार्जिंग है, इसमें भी रोटरी लगी हुई है, हम चार्जिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक चार्जिंग फुल और चार्जिंग का इंडिकेटर है, UPS ऑन की ये स्विच है। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप घर पर ही बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, एक कार की बैटरी भी हो, अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई हो कार की बाइक की, तो सारी बैटरी आप इस चार्जर से आसानी से चार्ज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।